स्टूडेंट्स कैसे हैं हम लोग बेटा। पहली वीडियो में हमने नज़म पढ़ी है बरसात की बहारें। अब इस वीडियो में हम इसके सवाल जो आप पढ़ने लगे हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, पहले बंद में कौन से काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं? तो बेटा पहले बंद में दर्ज ज़ैल काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से हैं? बरसात, बागात, कतरात और घात। ये हमारा पहला सवाल था, ठीक है। सवाल नंबर दो है आपका, तीसरे बंद में मौजूद रदीफ की निशानदेही करें। तीसरे बंद में रदीफ है हरे बिछौने। आपको पता है जो लाइन के यानी जुमले के आखिर में जो है एक जैसा लफ्ज़ बार बार आता है उसको रदीफ कहते हैं। तो यहाँ पे इस बंद में जो है वो बार बार हरे बिछौने आ रहा था, तो ये हमारा रदीफ है, ठीक है। चौथे बंद में कौन सा लफ्ज़ बतौर रदीफ इस्तेमाल हुआ है? चौथे बंद में कोई रदीफ इस्तेमाल नहीं हुई, ठीक है, यानी इस तरह का एक जैसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट हमारा सवाल है, तीतर अल्लाह ताला की अजमत कैसे बयान करते हैं? ये तीतर एक बड़ा परिंदा होता है कबूतर की तरह, तो ये क्या कहता है, बरसात के मौसम में इंसान तो इंसान परिंदे भी अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हैं, मतलब कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। तीतर जब बोलता है तो यूँ महसूस होता है कि जैसे वो कह रहा हो, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। सवाल नंबर पाँच, गुलजार के भीगने से और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है? बेटा बरसात के बायस खूब पानी बरस रहा है, यानी बरसात के मौसम में आपको पता है हर वक्त बारिश होती रहती है, तो उस वक्त खूब पानी बरसता है आसमान से, बाग में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है और बागात में बारिश ने भी अजीब सा आसमान बना रखा है। ज़रा जब बागों के अंदर बारिश का पानी होता है तो हर तरफ जो है वो फूल जो है वो खिले हुए होते हैं और फूलों के ऊपर जो बारिश के कतरे होते हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे दूर से जैसे मोती चमक रहे हों। सिर्फ गुलजारों तक ही नहीं, यानी सिर्फ बागों तक ही महदूद नहीं होती बारिश, बल्कि बारिश जो है वो हर चीज़ पर पड़ रही होती है बरसात के मौसम में। ये हमारे सवाल पाँच थे। इनको आपने बार बार बता रही हूँ कि जितना काम वीडियो में आ रहा है आपने मार्जिन लाइन अपनी नोटबुक पे लगा के उसके ऊपर प्रॉपर आप डेट एंड डे लगा के, तो आपने क्वेश्चन को मार्कर से लिखना है और जवाब को ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। ये प्रॉपर ये वाले पांच सवाल भी आपने प्रॉपर मार्जिन लाइन लगा के डेट एंड डे लगा के काम करना है, फिर आपकी नोटबुक चेक होगी, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छे तरीके से सबक याद करना है, ठीक है, ओके।